ओम, बिहार के मधुबनी जिले से, वहां का सम्मान है पाक और चादर। तो मैं भाई धनेश्वर जी और उमा शंकर जी से निवेदन करता हूं कि परम श्रद्धेय स्वामी जी को बिहार की ओर से, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से पाक और चादर का सम्मान हम सब के लिए गौरव का विषय है। अब मैं आदरणीय सूर्यभान शर्मा जी जो मऊ से हैं, उन्होंने 1,00,000 रुपए का दान सहयोग के रूप में दिया है, हम उनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भाई सूर्यभान शर्मा जी, आप मऊ उत्तर प्रदेश से हैं, भदोही से श्री रामगोपाल जी कालीन के निर्यातक हैं और ये फाउंडर मेंबर बन रहे हैं आज पतंजलि परिवार से जुड़ करके, हम इनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं जी। और भाई रामगोपाल जी, कालीन बनाते बोल बाबा जी हमको यहां भी सेवा दो, और आज 5,00,000 रुपए का दान इस सेवा में यहां अर्पित करना चाहते हैं भाई रामगोपाल जी। ओम संदेश जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, और बिहार राज्य में दो बहनों को विशेष दायित्व दे रहे हैं, बहन संगीता जी और बहन शांति प्रभा जी। तो बहन संगीता जी को और बहन शांति प्रभा जी को यहाँ मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं, और बहनों को विशेष दायित्व दिया गया था और उसमें इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत श्रेष्ठ कार्य किया है, आदर्श कार्य किया है। और ऐसे ही कर्मठ भाई बहन उनके इस अनुष्ठान में इसलिए भी आवश्यकता है कि जय बहन, बहुत बहुत अभिनंदन है दोनों ही बहनों का। क्योंकि अब जैसे जैसे यह सेवा का अनुष्ठान बड़ा रूप ले रहा है, वैसे वैसे अब कुछ भाई बहनों को तो बड़े रूप में आगे आना ही है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि सेवा के काम को बहुत दूर तक लेकर के जाना है, बहुत आगे लेकर के जाना है, और इसमें बहुत गुणवत्ता लानी है। अभी यह जो योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का और व्यवस्था परिवर्तन का जो कार्य हुआ है, यह तो एक चरण का कार्य हुआ है। अभी तो आधारशिला तैयार हुई है। जब एक एक जिले में एक एक आचार्य कुलम प्रथम चरण में बनेगा और वहां 1-2 हजार से लेकर के 4-4, 5-5 हजार विद्यार्थियों को वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा देकर के दीक्षित किया जाएगा, तो आने वाले 10-15 वर्षों के बाद हिंदुस्तान एक बहुत बड़े परिवर्तन की ओर आगे बढ़ेगा। हम 2-4-5 वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के और तमाम चीजों को बना सकते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनाना है तो उसमें कम से कम 25 साल का समय चाहिए एक अच्छा आदमी बनाने के लिए। और मैंने जीवन के विविध पहलुओं पर बहुत गंभीरता से विचार किया है और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यद्यपि दुनिया में बहुत कठिन कठिन काम है विविध क्षेत्रों में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट प्रकार के क्राइसिस हैं, चैलेंजेज हैं। मैं इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये मानता हूं कि एक अच्छा आदमी कैसे बने। आज हमारे पास में ना बोले अपने ये बहुत बड़ा क्राइसिस है आदमी का कि हमारे स्टेट में पॉलिटिकली कौन लीड करेगा, पॉलिटिकल लीडरशिप। तो गांव से लेकर के, तहसील से लेकर के, जिला से लेकर के, और फिर आप
स्टेट तक आइए तो आपको नाम नहीं मिलते कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके कि इसके हाथ में पॉलिटिकली अपने स्टेट को हम हैंडओवर कर देते हैं, सौंप देते हैं, हम निश्चिंत हो सकते हैं। ऐसा पूरे देश में ऐसे दो चार व्यक्ति अंगुलियों पर गिनने लायक हैं जिनके ऊपर आप भरोसा करके कि इस आदमी को हमने राजनीतिक रूप से अपने प्रदेश की कमान दे दी तो ये इसका भलाई करेगा, नहीं दिखता। राष्ट्रीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी अकाल सा पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री बनने का सामर्थ्य रखने वाले लोग देश के 125 करोड़ लोग आंख मूंद करके भरोसा कर सकें ऐसे 125 लोग भी नहीं है। ऐसे होने चाहिए। आप कहेंगे ये राजनीतिक नेतृत्व तो जी, अरे इतना उनका पुरुषार्थ होना चाहिए, इतना उनका ऊंचा चरित्र होना चाहिए, इतना उनमें शौर्य होना चाहिए, इतना पराक्रम होना चाहिए, इतने दूरदर्शी होने चाहिए, इतने पारदर्शी होने चाहिए, इतने विनयशील होने चाहिए, इतने विद्वान होने चाहिए, सारे गुण जो एक नेतृत्व के लिए चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से तो नहीं दिखता। अब ऐसे ही आप एजुकेशन के फील्ड में ले लो, इस देश में हर एक गांव में एक श्रेष्ठ आचार्य हो तो यह हिंदुस्तान पता नहीं कहां का कहां पहुंच सकता है। आज करीब वो 7 लाख गांव की तो पहली बात थी, अब तो 6 लाख भी गांव पूरे ठीक ठाक से नहीं बचे। चलो हम 5 लाख ही बड़े गांव मान लें तो 5 लाख तो ऐसे आध्यात्मिक दृष्टि से जो इस देश को नेतृत्व दे सके ऐसे व्यक्ति होने चाहिए। कुछ तो देश हैं जिनकी आबादी 25 लाख है, 50 लाख है। अब वहां मेरा अपने देश में तो बहुत अंतर है ना। अब मॉरिशस देश है, उसकी आबादी 15-20 लाख की है। ऐसे बहुत से देश जिनकी आबादी 15-20 लाख की है, करीब 100 के करीब देश होंगे जिनकी आबादी 1 करोड़ से कम है। अपना इतना बड़ा देश है, अब इसमें हमें राजनीतिक नेतृत्व चाहिए, आदर्श राजनीतिक नेतृत्व, बहुत ही ऊंचा आध्यात्मिक नेतृत्व चाहिए इस देश को, एक धार्मिक नेतृत्व चाहिए इस देश को, सामाजिक नेतृत्व चाहिए इस देश को, शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व चाहिए इस देश को। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे महापुरुष हो कि उनकी सन्निधि मात्र से बच्चों के का रूपांतरण प्रारंभ हो जाए और उनको सौंप करके हम निश्चिंत हो जाएं कि हमने इन आचार्यों को, इन अध्यापकों को, इन टीचर्स को, इन प्रिंसिपल्स को अपने बच्चे सौंप दिए, अब हमें कोई चिंता नहीं है, उनके ऊपर आप 100% भरोसा कर सकें। ऐसे लोग कहां है एजुकेशन के फील्ड में? ऐसे डॉक्टर्स की उनके अपने वहां तो आप अपनी जिंदगी को हम सौंपते हैं, जिन डॉक्टर्स के ऊपर देश के लोग भरोसा कर सके कि ये हमारे भलाई के लिए काम करने वाले हैं, इनके लिए उपचार एक व्यापार नहीं है, इनके हाथों में अपनी पूरी जिंदगी को हम सौंप सकते हैं, ऐसे 125 करोड़ के हिंदुस्तान में 125 डॉक्टर आपको नहीं मिलेंगे, ऐसे 125 आपको प्रिंस आचार्य नहीं मिलेंगे जिनके ऊपर देश के लोग भरोसा कर सके। और आप, मैं तो ये हेल्थ एजुकेशन की बात कर रहा हूं, ऐसे आप आ जाइए आप कॉर्पोरेट सेक्टर में, जितने भी देश के बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो सोचते हैं कि देश की संपत्ति पर हमारा साम्राज्य कैसे कायम हो, उसके ऊपर हमारा एकाधिकार कैसे कायम हो। माना कि उन्होंने देश की समृद्धि में बड़ा योगदान किया है, आज जो देश की जीडीपी गिनी जाती है, आज देश की पर कैपिटा इनकम गिनी जाती है, आज इस देश की जीडीपी की बात हो, पर कैपिटा इनकम की बात हो, वो देश की करेंसी की बात हो, वो देश के रिसोर्सेज की बात हो, देश में मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, एम्प्लॉयमेंट की बात हो, उस क्षेत्र में उन्होंने योगदान किया, लेकिन उनकी दृष्टि क्या है? 125 करोड़ के हिंदुस्तान में 125 ऐसे लोग नहीं है जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, जिनके पास में हजारों लाखों करोड़ की दौलत है, जो समाज को सबसे ऊपर रखते हो, देश को सबसे ऊपर रखते हो, 125 लोग भी नहीं। कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसा नेतृत्व हो
जिनके भीतर ये भावना हो कि मैं पुरुषार्थ करूंगा पूरा, लेकिन मैं अपने लिए केवल यही विचार रखूंगा कि क्या इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है। खुद अपरिग्रह में रह करके खुद सामान्य जिंदगी जीते हुए, हमारे यहां पर यह बहुत बड़ा दर्शन था, वैयक्तिक जीवन में त्याग और सार्वजनिक जीवन में समृद्धि, इस दर्शन में काम करने वाले 125 लोग नहीं है बड़े सेक्टर में, 125 लोग नहीं मिलेंगे। ये जो मिडिल क्लास और थोड़े से अपर मिडिल क्लास लोग हैं ना, उनमें अभी भी धर्म भावना बहुत अधिक है। अभी हमने आचार्य कुलम के लिए आह्वान किया, मैंने कहा 500 से ज्यादा लोगों की एप्लीकेशन आ गए होंगे, लेकिन हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट हाउस में एक अनिल अग्रवाल को छोड़कर के बाकी किसी ने पहल नहीं की। ये हमारे देश की जो है, मैंने कहा ना, साधन संपन्न दुखी दरिद्र लोग हैं ये। माने एक अनिल अग्रवाल को छोड़कर के किसी कॉर्पोरेट हाउस ने नहीं कहा कि बाबा जी आप पूरे देश में इतनी बड़ी शिक्षा की क्रांति करने वाले हो, इसमें हमारी भी आहुति होगी। मालिक बने फिरते हैं 50,000 करोड़ के, 1,00,000 करोड़ के, 5,00,000 करोड़ के, 5 कोड़ी नहीं निकलती। ये तो अब हमारे पास मत दान देने वाले, मान लीजिए भाई हमारे भदोही से, क्या नाम है, रामगोपाल जी, बोले बाबा जी 5 लाख तो मैं अभी दान करना चाहता हूं और बाकी जो भी मुझे सेवा दोगे मेरा सौभाग्य होगा। ये हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं, ये मिडिल क्लास के लोग हैं। अपर मिडिल क्लास के कुछ लोग हैं वो इस दानशीलता में आ गया। अभी जमीन देने की बात आई तो अपनी आधी जमीन, 10 एकड़ जमीन है, बोले 5 एकड़ दूंगा आचार्य कुलम के लिए, 20 एकड़ जमीन है, बोले 10 एकड़ आचार्य कुलम के लिए दूंगा। ऐसे देने वाले सैकड़ों भाइयों के प्रस्ताव आ गए, लेकिन जो लाखों करोड़ के बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, एक नहीं चुस्का। क्यों? क्योंकि उनके भीतर वो भावना ही नहीं है, बस मेरा साम्राज्य कैसे बढ़ जाए। आज मेरी 10,000 करोड़ की दौलत है तो कल को ये 20,000 करोड़ की कैसे हो जाए, आज मेरी 50,000 करोड़ की है तो अगले साल 1,00,000 करोड़ की कैसे हो जाए, 1,00,000 करोड़ है तो वो 2,00,000 करोड़ कैसे हो जाए, इस चक्कर में लगे हुए। मैंने जब अनिल अग्रवाल ने पहली बार मुझसे कहा कि बाबा जी जब आप जो आप मेरे लिए आदेश करेंगे वो मैं करूंगा, और उन पहला हिंदुस्तान का ऐसा कॉरपोरेट था जिसने कहा कि मैं अपनी इनकम का 75% समाज की सेवा में लगाऊंगा। एक आदमी मिला 125 करोड़ में, 125 करोड़ में एक आदमी मिला। ये आचार्य कुलम बना करके हम करना क्या चाहते हैं? ऐसे बच्चे हम तैयार करना चाहते हैं जो पूरे देश में अपने पुरुषार्थ से छा जाएं, चारों ओर जितने भी बड़े उद्योग धंधे चल रहे हैं, जितने भी देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर के तमाम इंडस्ट्री में, डिफरेंट सेक्टर्स में जहां पर अकूत धन संपदा साम्राज्य है, वहां वो ऐसे बच्चे हों जो 1 करोड़ कमाएं तो 10 लाख अपने लिए रखें और 90 लाख समाज की भलाई के लिए खर्च कर दें। ये भावना होनी चाहिए। अब तो 10% निकालने में भी इनको जोर पड़ रहा है। महर्षि मनोज ने कहा दशांश दान करना चाहिए, ऐसे होने चाहिए कॉर्पोरेट्स में कि मैं 10% अपने लिए रखूंगा, बाकी 90% मैं समाज की सेवा में लगाऊंगा। बोले बाबू जी ऐसे भी चलता है क्या? ऐसे चल रहा है ना, पतंजलि योगपीठ में चल रहा है। या हमने एक तो ये ट्रस्ट है ही, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, ग्रामोद्योग ट्रस्ट, रिसर्च फाउंडेशन, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट, ये तो चल ही रहे। हमने यहां स्वदेशी का काम शुरू किया, हमने कहा 10% नहीं, पतंजलि आयुर्वेद से जो भी आय होगी वो 100% इस देश की सेवा में लगेगी, 10 भी नहीं अपने लिए, एक भी नहीं अपने लिए, 100% सेवा में। क्या ऐसा नहीं हो सकता? ये सोच पैदा होनी चाहिए, ये सोच हम पैदा करना चाहते हैं। भाई हम क्यों कर रहे हैं, बाबा को क्या चाहिए? मैं यही आपसे कह रहा था, जिस ऐसी सोच पैदा करनी है कि मुझे काम करना है भगवान का यंत्र बन करके, अपेक्षा कुछ नहीं। एक बार भी मेरे को इतनी इच्छा नहीं हुई कि मुझे कोई हीरे की अंगूठी पहननी, मुझे कोई सोने की माला पहननी, एक बार स्वप्न में भी मुझे कोई
50 लाख 1 करोड़ 5 करोड़ की घड़ी रखनी है, मुझे कोई 1 लाख रुपए का पेन रखना है, मुझे देख के गए एक एक लाख लोग, ये मैंने 2 रुपए वाला रखा होगा, 2-3 रुपए का होगा। लिखने में कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं। और इसमें पेन में क्या है भाई, ताकत पेन में नहीं होती है, जो ताकतवर आदमी होता है ना उसके सिग्नेचर में ताकत होती है, वो 2 रुपए वाले से करता है 2 लाख के करते हैं जिससे, या वो लिखता क्या है उसकी लिखने में वो ताकत होनी चाहिए, वो ज्ञान होना चाहिए, वो क्या लिखता है उसमें ताकत होनी चाहिए, नहीं ये किस पेन से लिखता है ये क्या है, ये सोच का फर्क है और कुछ नहीं, आदमी पागल ही तो रखा है। तो हम एक ऐसा नेतृत्व तैयार करना चाहते हैं जिसमें लोभ ना हो, लालच ना हो। देश में करीब आज 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट बनता है हर साल, स्टेट और सेंटर का मिलाकर के 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट बनता है, 20 लाख करोड़ इतना पैसा होता है, वो एक साल भी देश में ठीक से लग जाए ना तो हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाए। 5 साल में 100 लाख करोड़ का बजट बनता है, कितना, 100 लाख करोड़, और सारे दुनिया के इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि हिंदुस्तान में 100 लाख करोड़ पे लगा दो तो हिंदुस्तान तो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बन सकता है। अभी तक 67 सालों में 900 लाख करोड़ रुपए लूट खसोट करके खा चुके हैं, ये मेरी नहीं सारी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है, 900 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान में और 101 लाख करोड़ रुपए बाहर, करीब 1000 लाख करोड़ रुपए हेरा फेरी कर रखी है पिछले 67 सालों। मैं 200 करोड़ वर्षों का इतिहास नहीं बता रहा हूं, आजादी के 67 वर्षों के बाद का इतिहास बता रहा हूं, कितना महान देश है, कितना समृद्ध देश है, कितना ताकतवर मुल्क है, लेकिन नेतृत्व नहीं है ना, नीतियां ठीक है ही नहीं। देखो एक स्टेज में आता है जब आदमी अपनी मेहनत से अपने पुरुषार्थ से करता है सेवा, वो करनी ही चाहिए सबको, लेकिन एक वो स्टेज होती है जब आपकी एक कलम से, जब आपकी एक 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 आपके कानून से, एक पॉलिसी से पूरे देश की दशा और दिशा बदलती है, वहां वहां पर ऐसे लोग होने चाहिए जिनमें कोई लालच नहीं। अब तो कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले सोचा जाता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे हमारी पार्टी को क्या मिलेगा, इससे हमारी वर्कर्स को क्या मिलेगा, इससे मेरी फ्यूचर की पॉलिटिक्स कैसे चलेगी, मैं आगे अपने सिंहासन पर 10 20 25 साल तक कायम रहूं उसका जुगाड़ कैसे होगा, उसके बाद पॉलिसी के लिए कलम चलती है। ये तो एक मैंने ये तो पॉलिटिकल बात कही आपको, आगे आज शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में क्या क्या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ बदलेगा ना। तो आचार्य कुलम में हम ऐसे ऐसे प्रज्ञावान और ऐसे पुरुषार्थी, दो चीजें चाहिए, पुरुषार्थ एक क्षण के लिए भी आलस से ना, ऐसा पुरुषार्थ माने उनसे छुए भी नहीं आलस्य, अकर्मण्यता, ऐसा व्यक्तित्व जिसमें अकर्मण्यता लेश मात्र भी ना हो, जब देखो तभी तैयार पुरुषार्थ के लिए, एक बार भी किसी भी काम के लिए ना नहीं, अकर्मण्यता नहीं, आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं, निराशा नहीं। पता नहीं कहां कौन सा इस देश में वायरस घुस गया, कहते हैं हमने बहुत से वायरस की दवाई निकाल ली है, ये आलस्य का वायरस निकाल दो। 125 करोड़ के हिंदुस्तान में 125 करोड़ लोग भी यदि घनघोर पुरुषार्थ करना शुरू कर दें तो हिंदुस्तान आने वाले 5-10 वर्षों में पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क के रूप में खड़ा हो सकता है। खाली 125 करोड़ लोग, 125 करोड़ लोग पूरा पुरुषार्थ करें। अच्छा भाई हमने कितने देशों में काम किया, कितने देशों में हिंदुस्तान का नाम किया और हिंदुस्तान में कितना काम किया, मैं भी तो एक आदमी ही हूं भाई, वो भी अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा हुआ, किसान के घर में पैदा हुआ, गाय भैंस भेड़ जो है और ऊंट चराने वाले के घर में पैदा हुआ। एक बार तो हमारे बापू बकरी भी ले आए, हमने तो बकरी भी चराई, ऊंट ले आए ऊंट भी चराया, गाय भैंस भी चराई,
खेतीबाड़ी भी की, गेहूं से लेकर के बाजरे से लेकर के, और एक गवार। ये गवार और गवार दोनों बड़े खतरनाक होते हैं। वो गवार ऐसा होता है उसमें ना, उसके ऐसे हाथों में लगते हैं बहुत, और आजकल तो मैंने सुना 20-25 हजार रुपए क्विंटल। मैंने जब सुना रेट, अरे उस समय तो हमने कहा हम गाय भैंसों को खिलाया करते थे इसको, आदमी को तो कोई मत जो इसका भाव ही कुछ नहीं होता था, आदमी तो खा ही नहीं सकता उसको, चिकना चिकना होता है, तो गवार गम बनने लग गया बाद में। और ऐसे रेट उसके हाई हुए, क्या आग लगी, 20-25 हजार रुपए क्विंटल। मैंने कहा हमने तो वैसे ही हाथ छिलवाए, हमने गवार की खेती से लेकर के, लेकिन जो है कीमत भी आजकल गवारों की और गवार की ही है। आज ऐसा हो गया उल्टा मामला। मैंने कहा हम भी तो वहां से आए भाई। मैं एक आपसे प्रश्न पूछता हूं, जितना पुरुषार्थ सद्याचार्य बालकृष्ण जी करते हैं, जितना पुरुषार्थ मैं करता हूं, ऐसा ही हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग पुरुषार्थ करने लग जाएं तो बोलो हिंदुस्तान कहां पहुंचेगा? तो ये पुरुषार्थ में क्यों नहीं कर सकते? अरे वो भी अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा हुए, वो भी एक सामान्य घर परिवार में पैदा हुए, एक छोटे से परिवार में, जिसको अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ परिवार कहते हैं, हम भी एक साधारण परिवार में पैदा हुए। अरे जब हम यहां पहुंच सकते हैं तो मैं कहता हूं, मैं जिस तरह से पुरुषार्थ में निष्ठा रखता हूं, श्रद्धे आचार्य श्री जिस तरह से पुरुषार्थ में निष्ठा रखते हैं, ऐसे ही पुरुषार्थी हम इस देश में यदि करोड़ों नहीं तो लाखों तो तैयार कर ही देंगे। अरे पुरुषार्थ करें और वो प्रज्ञावान हो, प्रज्ञा की कमी थोड़ी है। मैंने कहा आदमी अपने शारीरिक, अपने मानसिक, बौद्धिक क्षमताओं का 1-5% इस्तेमाल करता है। अब जैसे आप बैठे हो तो आपकी शारीरिक ऊर्जा का कितना प्रतिशत इस्तेमाल हो रहा है? 0.5%। मैं ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, थोड़े थक जाते हो तो पैर इधर से उधर रख लेते हो, ये पैर थक गया तो इसको ऊंचा कर देते हो। अभी आपकी शारीरिक क्षमता का कितना इस्तेमाल हो रहा है बोलो? 0.5%। अभी जब योगाभ्यास कराएंगे तब थोड़ा आपका 5-2-3%। जब दौड़ लगाए बहुत तेजी से दौड़ा, ऐसी दौड़ कि आपके सामने शेर खड़ा हो, या कोई पागल कुत्ता पीछे दौड़ पड़े, या कहीं जो है काला नाग आपके पीछे दौड़ पड़े, और तब आप दौड़ते हो ना, तब जाकर के 5% पे आते हो आप। तो बताओ 95% आपकी शारीरिक क्षमता का उपयोग हो रहा है? अभी आप सुन रहे हो तो करीब आपकी 2% जो है बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल हो रहा है। जब आप लिखने लगते हो तो 3% पे पहुंच जाते हो, और फिर जब वो याद हो जाता है तो 4% पे पहुंच जाते हो, फिर उसमें कुछ नया सोचना शुरू करते हो तो 5% पे पहुंच जाते हो, और फिर कुछ नया इन्वेंशन करने लग जाओ तो फिर 7% पर पहुंचते हो। तो कितने परसेंट बच गई? ये इतना करके भी कोई 10-20 हजार करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 20 करोड़, कोई 100-200-500 हजार करोड़ भी कमा ले रहा है। तो आप सोचो कि जिन बच्चों की बौद्धिक क्षमता 10% भी विकसित हो जाएगी तो कहते हैं वो तो दुनिया में सबसे टैलेंटेड पर्सन होंगे, वो तो न्यूटन आइंस्टीन जैसे हो जाएंगे। और सुन लो, भविष्य के आर्थिक साम्राज्य बौद्धिक संपदाओं के आधार पर तैयार होंगे। ये आज का बहुत बड़ा आर्थिक सत्य है। ये फ्यूचर की जो इकोनॉमी है ना, वो किस पर खड़ी होने वाली? भविष्य के आर्थिक साम्राज्य बौद्धिक संपदाओं पर खड़े होंगे। और आज भी दुनिया में सबसे धनवान व्यक्ति है तो वो कोई बड़े खानदान में, बड़े रईस घर में, या किसी राजनीतिक खानदान में पैदा हुआ व्यक्ति नहीं। बिल गेट्स आदि वो लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं और ऐसे ही नॉलेज बैंक एक तरह से बनाया हुआ उन्होंने, और उससे पूरी दुनिया में आज वो नंबर 1 पर पहुंचे हुए। इसलिए मैं बोलता हूं ना, मति ही संपत्ति है, माइंड इज मनी, और कुछ नहीं है। हम आचार्य कुलम में
ऐसे बच्चे तैयार करेंगे जो बौद्धिक साम्राज्य में दुनिया में सबसे ऊंचे हो, उनकी प्रज्ञा का विकास हो। यह तो है योग का काम, यही तो है वैदिक शिक्षा का काम, अंत प्रज्ञा का विकास, उनको रितंभरा प्रज्ञा से युक्त करना। यही तो मैं रोज वेद का मंत्र पढ़ता हूं, अहमें स्वयं इदम बदामी जुष्टम देवे भी ऋतमानुषे भी यम कामे तम तम उग्रम कणोमी तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधाम। ऐसे प्रखर प्रज्ञावान बेटा और बेटियों को तैयार करना, ऐसे युवक युवतियों को तैयार करना जो पूरे भूमंडल पर छा जाए, ऐसा बौद्धिक सामर्थ्य माने उनकी प्रज्ञा पूरी तरह से प्रकाशित हो, ऐसे। ये तो बहुत बड़ी साधना है। एक तो प्रयोग पूरे देशभर में करने वाले हैं, और एक बात और कह देता हूं आज आपसे, ठीक है, वो तो जो विद्यालय वाला कार्य है वो तो चलेगा ही चलेगा पूरे देश भर में आचार्य कुलम का, और उसमें ऐसे प्रज्ञावान बच्चे तैयार करेंगे। मैंने कहा ना, भविष्य के साम्राज्य बौद्धिक संपदाओं पर आधारित तो होंगे, और बौद्धिक संपदा में आचार्य कुलम के बच्चे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होंगे, इस तरह से उनका विकास किया जाएगा। दूसरा पुरुषार्थ, पुरुषार्थ में आलस्य उनको छुए ही नहीं, ऐसे जब देखो तब पुरुषार्थ के लिए तैयार, एक बार भी ऐसा नहीं हो कि उन्होंने आलस्य का स्वागत किया हो, अकर्मण्यता का स्वागत किया।